नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बोन 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 बहुत लोग इसके पूछ रहे हैं और काफी दिन हो गए इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं की थी, क्योंकि मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि सभी का तो हाल एक जैसा था, लेकिन फिलहाल अचानक से सब कुछ अब चेंज हो गया है। मैं जो है बात करेंगे बोन पर कि एक्चुअली क्या चल रहा है और कितना जा सकता है और मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बोन को, क्या आखिर बोन में क्या है। तो देखिए मेरे भाई, बोन फिलहाल आप ये कहो कि कोई न्यूज पीछे से कोई बहुत बड़ी आ रही है या कुछ सिवेरियम में ऐसा कुछ बहुत अच्छा या बहुत बड़ा कुछ हो गया है इसकी वजह से ऐसा है, तो मेरे भाई आप गलत हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहो कि यहां से इस वजह से ये थोड़ा सा भी सब ग्रीन हो रहा है। तो देखिए यहां एक बहुत सिंपल सा है कि सिवाय नू फिलहाल उसमें भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्या है कि एक मीम कॉइंस का फोमो क्रिएट हो गया है। अभी तो आप कोई भी मीम कॉइन उठा के देख लीजिए, वो भी चल रहा है, यहां तक कि आज मैंने देखा किसी उन्हों भी जो है भाग रहा है थोड़ा सा। तो अब आप बताइए, जो बिल्कुल सोए पड़े थे, आज ऐसा कोई मीम कॉइन नहीं। आप बहुत से लोग इंडिया में सर्किप्टो को यूज करते हैं, तो आप एक बार वहां जाके देखेंगे तो आपको मोस्टली मीम कॉइन आज आपको पंप करते हुए नजर आएंगे, केवल एक को छोड़कर, और वो है आपका बिटगर्ड। उसमें किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हो रहा है, बाकी तो सब में देखिए कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे बोन को। देखिए बोन में मैं वही कहूं कि भाई मैं तो इसको हमेशा सिवेरियम से जोड़ के देखता हूं। तो सिवेरियम में जब तक मैं देखिए ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे खासे नहीं होंगे पूरी तरीके से, और उसमें जब तक इसकी वो कहता है गैस फीस के रूप में इसको पूरी तरीके से यूज नहीं किया जाएगा, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि बोन में वो स्पाइक जो हमें चाहिए वो मिलेगा। लेकिन यहां पॉजिटिव चीज है वो ये है कि हम दोनों बाइंग में फिर से जो है प्लस में आ गए कहीं ना कहीं। देखिए हाँ, एक बार को लगा था कि ये काफी नीचे चला गया था, और जो हमारी 658 और 60 के आसपास की जो बाइंग थी वो भी कहीं ना कहीं लॉस में थी। 80 के आसपास की तो छोड़ो, 60 के आसपास की भी हमारी लॉस में चल रही थी। लेकिन आज का जो करंट प्राइस है उनका, वो आपका चला देखिए $0.91, यानी $1 में थोड़ा सा कम है। लेकिन यहां अभी भी आपको देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, मैं अभी इसको मैक्सिमम जो है वो 9596 के आसपास तक ही जाता देख रहा हूं, इससे ऊपर अभी जाता नहीं देख रहा। तो यहां आप बहुत ज्यादा फोमो क्रिएट ना करें कि यहां से अभी बोन बहुत ज्यादा अचानक से जो है कूद फांद मचाएगा, मचा सकता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी कभी भी कुछ हो जाता है, ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल जो थोड़ा सा सीन दिखाई दे रहा है उसमें कह सकता हूं 95, जैसे अभी 91 की सीरीज चल रहा है, तो ये 9596 तक जो जा सकता है। अगर यहां से ऊपर निकला, 95 या 96 से ऊपर गया, तो 1.1 यानी $1 से ऊपर, 1.1 1.2 यहां भी आपको फिर ये कैच करता हुआ नजर आ सकता है। ये दो आपके जो है पॉइंट रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले 9596 को थोड़ा सा क्रॉस करने दीजिए, इसको थोड़ा ब्रेक करने दीजिए, तभी ऐसा संभव है। लेकिन फिलहाल तो मैं ये कहता हूं हमारी दोनों बाइंग जो है पॉजिटिव है, प्लस में है, यानी कि ग्रीन में। लेकिन बात वहीं घूम के आ जाती है, क्या अभी हमें जो स्पाइक चाहिए वो मिलेगा? तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि वो अभी नहीं मिलेगा, उसकी अभी आप उम्मीद ना करें। देखिए सिवाय मुख्य एक हिसाब अलग है, उसके पास बहुत पीछे से बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो एक कम्युनिटी ने जो है उसको बूस्ट दे दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। एक होता है कि कोई फंडामेंटल कुछ मजबूत हो गया है, कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ गई है, या किसी ने डेव ने जो आके कमेंट कर दिया है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल क्या हुआ है कि कम्युनिटी ने जो उसको बूस्ट कर दिया है, और वही सिवाइनू आज जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट में नजर आ रहा है। बहुत से लोग तो अभी भी सिवाइनू में प्रॉफिट में नहीं होंगे, बेशक इतना वो पंप कर गया है। और कौन कौन अभी भी सिवाइनू में रेड रहे हैं, यानी कि जिनको अभी भी लॉस है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेशक इतना पंप करने के बाद ही मैं कह सकता हूं अभी भी बहुत से लोग जो है उसमें माइनस में होंगे। तो जो भी है, लेकिन जो भी है मार्केट में चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रीन चल रहा है। लेकिन बोन में मैं हमेशा से पॉजिटिव था, हूं और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी इसका जो यूज केस चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे सामने नहीं है। जैसे ही वो सब होगा तो इसको एक अच्छा खासा आप जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये कहना संभव है, बहुत से लोग इस बात पर पूछेंगे सर कितना जाएगा? तो मेरे भाई ये तो क्रिप्टो करेंसी है। अब आपने BTC को सोचा था कि इतनी जल्दी और जो है हालविंग से पहले ये ATH को ब्रेक कर सकता है? तो बिल्कुल मेरे भाई, आज $65,000 के ऊपर BTC चल रहा है, केवल $4,000 की और बात है। तो BTC के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी मामूली सी बात है। तो बस बात है ये कि कब क्या हो जाए, क्रिप्टो में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए मेरे भाई मैं तो बोन में हमेशा से आपको यही कहता हूं कि होल्ड रखिए, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की ऐसी बात है नहीं, ना ही ज्यादा टेंशन लेने की बात है। लेकिन क्या है कि कभी कभी लोग इतने ज्यादा कमेंट कर देते हैं कि थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या हुआ, कि प्रोजेक्ट वाकई में गड़बड़ तो नहीं है।
तो ऐसा हो भी जाता है कई बार। देखिए टेंशन तो हो जाती है, क्रिप्टो करेंसी है तो अब मुझे लगता है कि बोन में शायद अब आपको थोड़ी तसल्ली मिल गई होगी। लेकिन यह है कि भाई बहुत ज्यादा की अभी उम्मीद मत करना। मैंने आपको दो लेवल बताए हैं, वहां तक की अभी फिलहाल उम्मीद रखना। और मार्केट में फिलहाल आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी आपका बहुत ज्यादा ग्रीड है, यानी कि 86% पर। तो कई बार ऐसा लगता है कि यहां से थोड़ा बहुत कहीं बैक ना मार जाए कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रीड भी अच्छा नहीं होता है। मार्केट आपका देखिए बीटीसी 65,350 पर अभी ट्रेड कर रहा है, इस टाइम पर इथेरियम आपका 3,500 के ऊपर है। मार्केट कैप आपका जो है 2.4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, कहां तो 1 ट्रिलियन से भी नीचे चला जाता था और आज जो है 2.4 ट्रिलियन के ऊपर है। तो इसमें से भी सबसे ज्यादा मार्केट कैप आपका 1.28 ट्रिलियन का तो अकेला बीटीसी का है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा का सारा पैसा है कहाँ, सारा बीटीसी में। मोस्टली जो अभी कहेंगे जितना है वो सारा बीटीसी में है। और अभी जो थोड़ा सा तबाही मचा रखी है वो केवल मीम कॉइन्स ने मचा रखी है। तो आप ट्रेंड के साथ ही चले वो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अभी किसी भी टोकन को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कहना कि साहब हाँ इसको ले लो ये अभी चला जाएगा, वो जाने को जा सकता है, लेकिन जो है SIP के तौर पर ही चले, जिसमें भी चले तो वहां पर थोड़ा सा एवरेज करने का आपको मौका मिल जाता है। फ्यूचर ट्रेडर के तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि आप रिस्की ट्रेडर रहें तो आप फ्यूचर ट्रेड कीजिए, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो प्लीज फ्यूचर ट्रेड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।